हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम दो आम लेंगे। ये हमारा वेट में लगभग 150 ग्राम के आसपास है। इसे हम अच्छे से छील लेंगे किसी छीलने की मदद से। और छील के इसे धो के किसी कपड़े के सहारे इसे पोंछ लेंगे ताकि इसमें पानी लगा हुआ नहीं रहे। उसके बाद फिर हम इसे कद्दूकस करेंगे। इस कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। तो हमने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हम कढ़ाई लेंगे। इसमें हमने सारे कद्दूकस किए हुए कच्चे आम को डालेंगे और चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी फ्रेंड्स, आपका आम जितना वेट का हो उससे थोड़ा कम डालें। वो डिपेंड करता है आपके आम के खट्टाई पे कि वो आपका आम कितना खट्टा है। तो हमारा 150 ग्राम के आसपास आम का वेट था, तो हमने 100 ग्राम के आसपास चीनी इसमें डाला है और दोनों साथ डाल के इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। ये देखिए, हमारा चीनी और आम धीरे धीरे पक रहा है और इसमें थोड़ा पानी भी छोड़ दिया है। तो हम इसमें पानी डालेंगे नहीं फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाएंगे। तो हमारा देखिए इस तरह से ये लगभग पक चुका है हमारा। इसे बनाने में फ्रेंड्स लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे, एक चुटकी के आसपास, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो कश्मीरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी। नमक हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिलाएंगे। आपको यदि लंबे समय के लिए इस चटनी को, खट्टी मीठी चटनी को रखना हो तो आप थोड़ी गीली उतारें, क्योंकि ये ज़्यादा पकाने से क्या है ना कि ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है चटनी। हमें इसे ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है, तो हमने पूरी अच्छी तरह से पानी सुखा लिया है। आप लंबे समय के लिए रखते हैं, थोड़ी सी गीली उतारें। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा है इसका। आप इस चटनी को चाहे तो 1 महीने के लिए भी रख के खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारा कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है फ्रेंड्स। आप भी चाहे तो इसे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे।
जय हिंद, जय भारत।